हैप्पी ईद मुबारक ऑल ऑफ यू। हैप्पी ईद मुबारक, अल्लाह आपको स्वस्थ रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। एट अल्बिना का बेबी हॉर्स। अल्बिना देखो क्या खरीदा है हॉर्स। हमें जाम ना मिस्टी खाम ना। हाँ पपड़िया। हाँ अल्बिना के पास बहुत बेबी है। ये कौन सा बेबी है? ये एलिफेंट, एलिफेंट लायन। एंड दिस इज ए हॉर्स, हॉर्स। और बच्चों को तो शब्द बोलिए, आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब खुश रहे। और हम लोग का जो ईद अल अदा है उसके लिए पूरे साल हम लोग का सब बच्चा और जितने भी जिम्मेदार है और जितने भी हम लोग का मोहल्ले का आदमी है और जितने भी इंडियन मुस्लिम है या तो विश्व का मुस्लिम है सब खुश रहे। अल्लाह सबको गुनाह माफ़ करे और सब पूरे साल हैप्पी की तरह पूरे साल बिताए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह आज हम लोग ईद बना रहे हैं जो उस्मान गनी जामे मस्जिद के अंदर ईदगाह कमेटी है। ये है ईद का, ये मस्जिद देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मस्जिद है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आए ईद का नमाज़ पढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लोग अभी एंट्री होने लगे माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मस्जिद है देखिए माशाल्लाह। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, बहुत गर्मी था अल्हम्दुलिल्लाह। जब नमाज से 10 मिनट पहले बारिश आना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सभी को हैप्पी ईद मुबारक। इस्माइल भाई जी माशाल्लाह कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया जी। और हमारे माननीय सुपरिटेंडेंट सर सभी को आशीर्वाद दिया है, विश भी किया है। और जितने सारे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुशी मनाइए, हमारे लिए दुआ कीजिएगा ना। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो वाजिब नमाज ईद का था पढ़ लिया, अभी सब बड़े जोश में नज़र आ रहे हैं, सब एक दूसरे का गले मिलते हुए हैं। यहाँ पे मेरा बड़ा भाई। दोस्तों ईद से पहले ये मार्केट देखिए कितना भीड़ लगा हुआ था, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये बाज़ार अब देखिए माशाल्लाह कितना भीड़ था। आप लोग को देखने को मिलेगा चारों तरफ ये आदर्श बाज़ार में ये है मार्केट माशाल्लाह, बहुत ही भीड़ और चारों तरफ जो है खुशी का माहौल हो रहा है। एक चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा कि हर रिलीजियस के लोग यहाँ पे आए, एक साथ मार्केटिंग करने लगे गए। बहुत सारे लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम सारे मिलके जो कैटल से सेल कर रहा है, ख़रीद रहा है। तो ऐसा बाज़ार होता है जो हमारे भारत देश में मिला प्रीति का जो माहौल है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ कर सकते हैं कितना भीड़ है। और रात का नज़ारा आप देखेंगे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ लाइट्स जो है ऑन है और सारे लाइट जो है ट्विंकलिंग स्टार्स जैसे चमकता हुआ नज़र आ रहे हैं। और मौसम बड़ा ठंडा है और ठंडे के मौसम में थोड़ा गर्मी था लेकिन ठंडा हो गया अचानक। और इस मौसम में लाइटिंग्स और हल्का 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 आप देख सकते हैं कि जो डार्कनेस है उसका भी लाइटिंग के साथ फकास का जो एक दृश्य आप देख सकते हैं। तो मैं आप यहां पे आप दिखा सकता हूं कि आप लोग देख पाएंगे तो यहां पे कुछ स्वीट्स भी बिक रहे हैं काउ मार्केट के आजू बाजू। और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्वीट्स, वेराइटीज़ ऑफ स्वीट्स है, बुंदिया है, निमकी है, भुजिया है। और लोग जो है पूरा जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कैटल्स, वेराइटीज़ ऑफ कैटल्स यहाँ पे आए हैं, ओनली ऑक्स। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
आदर्श बाज़ार का जो काऊ मार्केट है, बहुत भीड़ होता है यहाँ पे, और देखने का नज़ारा कुछ और है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे चीज़ आप घूमें और आप आ सकते हैं, इसका आनंद भी उठा सकते हैं। जो आजू बाजू जिसका घर है, इन लोग आ सकते हैं, यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं, हर तरफ की चीज़ यहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मैं आप लोग को थोड़ा इधर इधर हटा के दिखाना चाहता हूँ। देखिए कितना भीड़ है भाई, यहाँ पे पैर फेंकने का भी जगह नहीं है, कितना भीड़। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए चारों तरफ भीड़ ही भीड़, और लोग बड़ा हैप्पी हैं। सबको अच्छी तरह हैप्पीनेस एंजॉय करना भी चाहिए, और किसी को अंदर दिल में ठेस नहीं पूछाना चाहिए। सब मिल बांट के जो भी है अपना त्यौहार को उद्यापन करना है। ये है स्वीट्स का दुकान यहाँ पे, भुजिया, बूंदिया, नमकी, खुरमा, ये देखिए। लेकिन ये हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ओपन खुला हुआ है, इसको कवर करके रखना चाहिए था, लेकिन रखते नहीं हैं। तो दोस्तों ये था आज का कुछ शेयरिंग जो आप लोगों को किया। अली टॉक्स 365 फैमिली मेंबर्स के तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, सभी को ईद मुबारक का शुभकामनाएं।